ओम शांति, नमस्ते। ये है हमारे रेवदो रोड में बगेरी का खेती है और यहाँ पे देखिए बैल लगाया हुआ है। बैल बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। आप इसका गर्मी में शरबत पी सकते हैं, इसका इसको डायरेक्ट खा भी सकते हैं। तो और ये नेचुरल बहुत मीठा भी होता है, इसमें कोई शक्कर वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे अभी गर्मी आने वाला है तो गर्मी में ही गर्मी आता है तब तक ये पक जाएगा। तो इसको आप शरबत बना के पी सकते हैं, पेट अच्छा ठंडा रहता है, बहुत फायदेमंद होता है ये। ऐसा नहीं कि कोई पेशेंट है, कोई इंसान खा नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बैल हर कोई खा सकता है, इसमें कोई नुकसान होगा नहीं है। तो नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ चीज़ें हैं ना, कुछ हम खाएँगे तो हमारे बॉडी को सूट करता नहीं करता, लेकिन ये चीज़ हर कोई खा सकता है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। डायरेक्ट भी खा सकता है, शरबत बना के भी इसको पी सकता है गर्मी गर्मी में। और ये जो पत्ता है आप देख रहे हैं, और इसके पत्ते भी आप रोज़ सुबह सुबह इसको ऐसे 5 से 6 पत्ता आप निकाल के धुलाई करके चबा के खा सकते हैं डायरेक्ट। ये जैसे एसिडिटी आपको होता है ना, तो एसिडिटी आपको कंट्रोल करेगा इसमें। आप डेली 4-5 पत्ता सुबह उठ के इसको चबा के डायरेक्ट खा सकते हैं। इसमें 8-10 पेड़ लगाया हुआ है यहाँ पे लाइन से, यहाँ आप देख रहे हैं 4 पेड़ यहाँ पे हैं और उस तरफ पे भी है। ये देखिए बैल अभी अच्छा आया, अभी छोटी छोटी छोटे छोटे पेड़ है, पहली बार आया है इस बार बैल। अब जैसे जैसे बड़ा होगा तो उतना ज़्यादा ज़्यादा, अभी एक एक में 12 से 15 तक फला है एक एक में। ये देख रहे हैं 12 से 15 फला है, अभी पहली बार आया इस साल। तो धीरे धीरे जैसे जड़ इसका पेड़ बड़ा होता जाएगा और ज़्यादा फलेगा, अभी तो पहली बार में इतना ज़्यादा है नहीं। ये देखिए पेड़ छोटा है लेकिन अच्छा फला उसमें, इसमें भी लेकिन इसमें 15 से ज़्यादा है बैल। ये भी है, ये देखिए इसमें जैसे कि खेत किए होंगे आप, उसके बाउंड्री में भी लगा दीजिए। तो ये तो थोड़ा अंदर लगा हुआ है जगह छोड़ के, इसको आप बाउंड्री में भी लगा सकते हैं। बाउंड्री में लगाएंगे तो दोनों को फायदा होगा, दूसरे तरफ जमीन वाला का, इस तरफ जमीन वाला का, भी दोनों को फल मिलेगा। तो सभी बैल का पेड़ भी लगाइए और बैल रस पीजिए गर्मी में, इसकी लाभ उठाइए। इधर आके पूरा करो, अच्छा इधर 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 यहाँ से देखिए हमारा यहाँ तक 1.5 बीघा 1.5 बीघा जमीन में खेत किया जा रहा। और उस साइड आपको जाके दिखाएंगे, गुलाब का फूल है, गुलाब फूल का खेत किया हुआ है। तो यहाँ तो चना है, मक्की है और काबुल चना, जो चना कहते हैं काबुल से आया है, वो लगाया हुआ आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। ओके, ओम शांति। यहाँ तो सुअर हमने देखा है, जंगली सुअर है जी। वो एक दिन का एक ही आता है, दूसरा दिन का बहुत सारा आते हैं, तो ये खत्म कर देते हैं।